हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन लक्ष्य क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा। साइलेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा मीन्स दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जनरल करेक्टर्स ऑफ माइनर फाइलम दैट इज नोन एज टीनोफोरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में माइनर फाइलम टीनोफोरा की साइलेंट फीचर की डिटेल स्टडी करनी है। दैट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट अंडर द हेडिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। साइलेंट फीचर मीन्स दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जनरल करेक्टर्स। साइलेंट फीचर दैट इज ऑल्सो नोन एज जनरल करेक्टर्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द इंडिविजुअल्स दैट इज फाउंड इन द फाइलम टीनोफोरा, दे आर फ्री स्विमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, फ्री स्विमिंग। ऑल द इंडिविजुअल्स व्हिच आर फाउंड इन द माइनर फाइलम टीनोफोरा, दे आर फ्री स्विमिंग। वह समस्त इंडिविजुअल, वह समस्त जीव जो कि टीनोफोरा में पाए जाती हैं, वे सभी फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री माने होता है स्वतंत्र, स्विमिंग माने तैरना, यानी दे आर फ्रीली स्विमिंग इन द वाटर। मैरीन होते हैं, मैरीन मीन्स दैट दे लिव इन द डायरेक्टी वाटर। डायरेक्टी वाटर मीन्स दे लिव इन द सी वाटर, दैट इज द केमिकल इम्प्योरिटीज। ऐसा नहीं है कि हम डर्टी वाटर का मतलब ये नहीं है कि एक बाल्टी पानी ले लें और उसमें हम गंदगी डाल दें या इम्प्योर कर दें और वो डर्टी हो जाए। डर्टी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल इम्प्योरिटी दैट इज फाउंड इन द सी वाटर, दैट इज द ब्रैकिश वाटर, समुद्र का खारा जल, दैट इज द मैरीन। पिलेजिक, पिलेजिक मीन्स होता है मूविंग ऑन द सर्फेस लेयर ऑफ वाटर व्हेन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज स्विमिंग और दैट इज मूविंग ऑन द सर्फेस लेयर ऑफ वाटर, देन सच फिनामिना इज नोन एज पिलेजिक। पिलेजिक का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई ऑर्गेनिज्म पानी की ऊपरी सतह पर तैरता है तो उसे पिलेजिक कहा जाता है। एंड सॉलिटरी एनिमल, सॉलिटरी मीन्स होता है एकाकी, लिव इन सिंगल। जब कोई इंडिविजुअल अकेले निवास करता है, सिंगल पाया जाता है, एकाकी होता है, उसे सॉलिटरी कहते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसका पूरा एकदम क्लियर कट कंसिडरेशन है। एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी को मैंने, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया है हिंदी लैंग्वेज में। ऑल द इंडिविजुअल्स दे आर फाउंड इन द माइनर फाइलम टीनोफोरा, दे आर फ्री लिविंग, इसका मतलब सभी स्वतंत्र जीवन जीते हैं, मैरीन होते हैं। दे लिव इन द डर्टी वाटर, इट मीन्स दे लिव इन द सी वाटर। दे पिलेजिक मीन्स दे आर स्विमिंग ऑन द सर्फेस लेयर ऑफ वाटर। एंड सॉलिटरी एनिमल का मतलब होता है वह एकाकी जंतु होते हैं। बॉडी जिलेटिनस, इसका मतलब होता है बॉडी जिलेटिन नामक पदार्थ से बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, पीयर शेप्ड होती है, नाशपत्ती के आकार की होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, और फ्लैट माने चपटी होती है, और रिबन शेप्ड का मतलब होता है फीते जैसे आकृति की होती है, शेप्ड माने आकृति। दिस इज द सेकेंड करेक्टर। नेक्स्ट करेक्टर, सो सेकेंड करेक्टर आर सेकेंड साइलेंट फीचर दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। बॉडी जो है जिलेटिनस होती है, जिलेटिनस मीन्स जिलेटिन नामक पदार्थ से बनी होती है, पारदर्शी होती है, पीयर शेप्ड नाशपत्ति के आकार की होती है, सिलेंड्रिकल माने बेलनाकार होती है, फ्लैट माने चपटी होती है, रिबन शेप्ड का मतलब होता है फीते जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाई रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब द्वि आर्गीय सममित होती है। बाई माने टू, रेडियली माने आरी, सिमेट्रिकल माने सम्मिति, इसे द्वि आरी सम्मिति कहते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये समझना है कि पहली बात तो बाईलेटरली सिमेट्रिकल क्या होते हैं और बाई रेडियली सिमेट्रिकल क्या होते हैं, दोनों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड करेक्टर्स दैट इज द बॉडी इज बाई रेडियली सिमेट्रिकल्स। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बाई रेडियली सिमेट्रिकल। बाई माने होता है टू,
रेडियली माने होता है आरी, सिमेट्रिकल माने होता है सममिति। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट द रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स व्हाट? रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर किसी सर्कुलर, किसी चक्राकार या किसी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को सेंटर एक्सिस मानते हुए कहीं से भी कट करेंगे तो बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। इन ए सर्कुलर स्ट्रक्चर, अगर किसी भी सर्कुलर स्ट्रक्चर में, किसी भी गोलाकार संरचना में बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको मेन अक्ष मानते हुए कहीं से भी उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो जो होल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज नोन एज रेडियली सिमेट्रिकल। बाई रेडियली का मतलब होता है दुई आरी, इसको दो बार काट दिया जाए तो बाई रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसकी हिंदी है दुई आरी सममिति। बॉडी अलॉन्ग एंड ओरल एबोरल एक्सिस, बॉडी माने होता है शरीर, ये लॉन्ग माने साथ, एंड ओरल एबोरल एक्सिस का मतलब होता है, ओरल माने होता है मुखीय, एबोरल का मतलब होता है द पोर्सन दैट इज फाउंड बिहाइंड द ओरल दैट इज नोन एज एबोरल। शरीर का वह हिस्सा जो मुंह के तुरंत पीछे पाया जाता है, बैक साइड में पाया जाता है, दैट इज नोन एज एबोरल। काम लाइक एट, काम लाइक माने होता है कंघे जैसे, एट माने आठ, सीलियरी माने होता है सीलिया लाइक, प्लेट माने होता है तस्तरी नुमा संरचनाएं। काम लाइक एट सीलियरी प्लेट्स, दिस इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द माइनर फाइलम टीनोफोरा। जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, काम लाइक होते हैं, कंघी जैसे होते हैं, जिनके अंदर आठ प्लेट्स पाई जाती हैं और आठों प्लेट्स पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। सो देयर इज एट सीलियरी प्लेट्स दैट इज फाउंड ऑन द बॉडी, आठ जो है सीलियरी प्लेट्स जो है शरीर के ऊपर पाए जाती हैं, एंड दीज एट सीलियरी प्लेट्स हेल्प इन द लोकोमोशन। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट काम लाइक एट सीलियरी प्लेट्स आर फाउंड ऑन द बॉडी एंड दे हेल्प इन द लोकोमोशन। शरीर पर आठ कंघी जैसे सीलियरी प्लेट्स पाए जाते हैं जो गमन में मदद करते हैं। नेमेटोसिस्ट अब्सेंट, दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। मेसोग्लिया सेलुलर, मेसोग्लिया इज द इंटरमीडिएट लेयर दैट इज फाउंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोग्लिया एक इंटरमीडिएट लेयर होती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, दैट इज नोन एज मेसोग्लिया। तो यह मेसोग्लिया जो है सेलुलर होती है, कोशी होती है, इसका मतलब एक लेयर बनाती है दैट विथ मस्कुलर एलिमेंट्स, और उसके अंदर जो है पेशीय तंतु पाए जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, पाचन तंत्र के अंतर्गत मुंह पाए जाते हैं। फायरिंग्स पाई जाती हैं, ग्रसनी पाई जाती हैं, स्टमक माने अमाशय पाए जाते हैं। द स्टमक इज हाईली ब्रांच्ड, स्टमक जो होता है बहुत ज़्यादा शाखित होता है, हाईली माने बहुत ज़्यादा, ब्रांच माने शाखायुक्त। सो फार्मिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इस तरह से वह आगे चल करके एक जटिल तंत्र बना लेता है जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल कहते हैं, इसको जठर संवहन नलिका के नाम से जाना जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाचन तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत मुंह, ग्रसनी और अमाशय पाए जाते हैं। स्टमक बहुत शाखित होता है, स्टमक आगे चल करके बहुत ज़्यादा शाखित हो जाता है और एक जटिल तंत्र का निर्माण करता है जिसको हम जठर संवहन नलिका प्रणाली के नाम से जानते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम टर्मिनेट्स आउट एट एनल पोर, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, टर्मिनेट्स का मतलब होता है समाप्त होना, खत्म होना, अंत संबंधी। जब कोई स्ट्रक्चर, जब कोई ट्यूब, जब कोई नलिका जहाँ पर समाप्त हो जाती है बॉडी में तो उसको टर्मिनेशन कहते हैं। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम माने जो पाचन तंत्र होता है, टर्मिनेट्स माने समाप्त हो जाता है, आउट माने बाहर की ओर, किस रूप में समाप्त होता है, एनल पोर के रूप में, गुदा छिद्र के रूप में खत्म हो जाता है। कोलोब्लास्ट आल्सो रिफर्ड एज लाइसोसेल, कोलोब्लास्ट जिसको लाइसोसेल के नाम से भी जाना जाता है, आर स्पेशल एडहेसिव सेल, ये जो होती हैं विशेष रूप से, एडहेसिव माने होता है चिपकने वाली सेल माने कोशाएं होती हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, जो कि टेंटिकल्स के ऊपर पाई जाती हैं, व्हिच हेल्प इन द फूड कैप्चर, जो भोजन को कैप्चर करने में, भोजन को पकड़ने में मदद करती हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कोलोब्लास्ट दैट इज ऑल्सो रिफर्ड एज लाइसोसेल, कोलोब्लास्ट जिसको लाइसोसेल के नाम से जाना जाता है, दे आर स्पेशल एडहेसिव सेल, ये विशेष रूप से चिपकने वाली कोशाएं होती हैं,
जो कि टेंटिकल्स के ऊपर पाई जाती हैं और भोजन को कैप्चर करने में मदद करती हैं। स्केलेटल, कंकाल, सर्कुलेटरी, संवहन, रिस्पायरेटरी, श्वसन एंड एक्सक्रेटरी माने उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं सारे एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। सो वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ टीनोफोरा दैट इज माइनर फाइलम, कंकाल तंत्र, संवहन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित होते हैं। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप, तंत्रिका तंत्र जो है विसरित प्रकार का होता है। एंड द एबोरल इंड्स बियर ए सेंस ऑर्गन, एबोरल का मतलब होता है एबोरल इंड्स मीन्स द इंड्स व्हिच इज फाउंड जस्ट बिहाइंड द माउथ इज नोन एज एबोरल इंड्स। वह इंड जो मुंह के एकदम पीछे होता है उसको एबोरल इंड कहते हैं। बियर्स माने पहनना होता है, तो यहाँ पहनने का तात्पर्य धारण करना है। तो जो एबोरल इंड्स होता है उसके अंदर संवेदांग पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। मोनोसियस होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मोनोसियस, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर यू कैन से इन अदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज फाउंड इन द सब फाइलम टीनोफोरा बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल एंड सच फिनोमेना इज नोन एज मोनोसियस। तो दोनों जो प्रजनन अंग होते हैं, नर और मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, उसको मोनोसियस कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं। गोनाइट्स एंडोडर्मल होते हैं, गोनाइट्स जो होते हैं अंतः चर्मी होते हैं। इट मीन्स द गोनाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडोडर्म जर्म लेयर। गोनाइट्स एंडोडर्मल का मतलब होता है जो जनद होते हैं, जो गोनाइट्स होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं, जो ओबरी होती हैं, इनका जो उदय होता है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो इंडोडर्म लेयर से होती है। दे आर सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ द गैस्ट्रिक कैनाल, गैस्ट्रिक कैनाल की वॉल या भित्ति पर पाए जाती हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स दैट देयर इज नो एनी लार्वल स्टेज। इफ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट देन द लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, इफ द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट देन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। अगर डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होगा तो कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। विथ ए करेक्टरिस्टिक लार्वा, ज़्यादातर केसों में जो है अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक लार्वल स्टेज पाई जा रही है जिसका नाम है साइडीपिड। रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस आर ऑफ कॉमन अकरेंस। रीजनरेशन का मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कई पार्ट में काट दिया जाए तो कटा हुआ पार्ट जो है नया वृद्धि करके जो है नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेता है। सच फिनोमिना इज नोन एज रीजनरेशन। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है, पीडोजेनेसिस इज द फिनोमिना इन व्हिच इट इज रिलेटेड टू द न्यूटनी। इफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अकर्स प्रीकॉकसली एट द सेम टाइम देन सच फिनोमिना इज नोन एज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल आर एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स इन द एडल्ट बॉडी। कभी कभी इंडिविजुअल्स की जो एज हो जाती है वो मेच्योर की हो जाती है लेकिन वह मेच्योर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस डिले हो जाती है, तो इसको कहते हैं न्यूटनी। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर लार्वल स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं देन सच फिनोमिना इज नोन एज पीडोजेनेसिस। सामान्यतः पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर नॉट फाउंड। पीढ़ियों का जो प्रत्यावर्तन होता है वह नहीं पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है लाइफ स्टेज में कुछ दूर तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ स्टेज में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों अलग अलग फेजेज में पाई जाती है, जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि एब्सेंट होते हैं किसमें, टीनोफोरा में। और लास्ट है बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू ग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर का जो संगठन है, सेल माने कोशा, टिश्यू माने ऊतक, ग्रेड माने स्तर। कोशा का जो संगठन है वो जो है बॉडी का जो संगठन है, शरीर का जो संगठन है वो कोशा ऊतक स्तर का होता है, सेल टिश्यू ग्रेड होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है काम लाई किट, सिलेरी प्लेट है, मिसोग्लिया है, कैस्टोबेसल कैनाल है, कोलोब्लास्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, मोनोसियस है और सेल टिश्यू ग्रेड है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझा दिया है इन बोथ द लैंग्वेज। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो।